सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सबको याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम एक विलेज तक पहुंचे थे और वो विलेज के नीचे भी हमने माइनिंग भी करा था और बहुत सारा सामान हमारे पास आ चुका था। सबसे पहले आप इधर ही देखो कि क्या ही हालत हो गई है विलेज की। तो हमने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, उसके बाद यहाँ पे कोई एक बंदा आया है और उसने पूरा विलेज बर्बाद कर दिया है। TNT लगा के जितने भी घर थे और विलेजर्स थे वो सारे उड़ा दिए और विलेजर्स को मार के, और जितने भी यहाँ पे शिप्स वगैरह, हॉर्सेस थे, काउस थे, जितने भी थे सबके सब मार दिए। अब आप कहोगे कि TNT लगाया है तो आपको कैसे पता, क्योंकि जब मैं चेक कर रहा था यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे दिखाइए, देखो अभी भी मीट पड़ा हुआ है। एक बंदे ने, जिसने भी लगाया है, TNT अभी लगा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे घर वगैरह टूटे हैं ना, ये सबके सब TNT लगा के तोड़े। और हमारा एक घर यहाँ पे भी था जहाँ पे हमने स्पॉन जो है रिस्पॉन सेट करा था, उसकी हालत आप देखो भाई, ये है वो वाला घर। और इधर कुछ भी नहीं बचा लिटरली, जो भी चेस्ट वगैरह में एमरल्ड वगैरह थे सबके सब उड़ा दिए। अभी हमारे पास जो कुछ भी है बस यही है। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए अभी, क्योंकि वो बंदा दोबारा भी आ सकता है। जो भी होगा पता चल जाएगा कि कौन सा वाला बंदा था। धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा ऐसा कौन सा बंदा है जिसको मेरे वर्ल्ड के बारे में पता चला है और वो इसमें आके पूरा उड़ा दिया है। और अब ये कोई बंदा था या कोई एंटिटी, इसके बारे में भी अभी कुछ भी पता नहीं है। धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा था या फिर कौन सी ऐसी एंटिटी है जिसने पूरा का पूरा विलेज उड़ा दिया है। अब मुझे लगता है मुझे यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, बस मुझे एक बेड ढूंढना है जिसको मैं लेके साथ में चलूंगा। बेड वगैरह यहाँ पे कुछ होगा क्या? आई डोंट थिंक कि कुछ बचा हुआ है, हॉर्स एक बचा हुआ है और मेरे पास सैडल तो है। मेरे पास फटाफट से ना सैडल लगा के हॉर्स पे बैठ के निकल लेते हैं। ओके ओके ओके, मेरे पास थोड़ा सा फूड है, यहाँ से फूड उठा के मैं इसको टेम कर सकता हूँ। बाकी जितना भी कचरा है ना वो फेंक देते हैं। एक ही हॉर्स चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं, और मेरे पास एक सैडल भी है। फटाफट से किसी हॉर्स पे लगा के, भाई तू अच्छा दिख रहा है मेरे को और ये भी अच्छा दिख रहा है, कहाँ गया तू? तो अच्छा है और ये भी मेरे को अच्छा दिख रहा है, फट जाएगा क्या? ओके, वो तो टेम नहीं हो रहा है, आई थिंक ये टेम हो सकता है। इसको थोड़ा सा खाना खिला के। अरे भाई तू भी टेम नहीं हो रहा, कम से कम टेम तो हो जाओ। मुझे एक ही हॉर्स चाहिए और यहाँ से निकलने के लिए ना, ये भी टेम नहीं हो रहा अभी। अरे पट जा यार, पट जा। अभी लास्ट ट्राई करने वाला हूँ, उसके बाद इसको मार देंगे। ओ, डर गया भाई, ये तो फटाफट से डर गया। कोई नहीं, अभी इस पे सैडल लगा के यहाँ से निकल लेते हैं। इस तरफ जाएंगे हम, अधिक ऊपर की तरफ से पता चल जाएगा कि कहाँ से जाना चाहिए मुझे। सामने मुझे एक बयोमी दिख रही है जो कि जंगल बयोमी है, और जंगल बयोमी में अगर हम जाएंगे तो वैसे वो बंदा यहाँ पे छुप सकता है और वो कहीं पे भी हो सकता है। तो जंगल बयोमी में ढूंढना उसको मुश्किल हो जाएगा, मुझे कोई ऐसी बायोमी ढूंढनी पड़ेगी जो कि ओपन में हो। सो लास्ट वाली वीडियो में मैंने पूछा था कि ये कौन सी बायोमी है, तो मुझे किसी ने बताया कि ये वाली बायोमी जो है ना, ये स्वाना बायोमी है। तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, एक बार कोई दूसरी बायोमी ढूंढनी पड़ेगी। सामने मुझे कुछ नजर आ रहा है बट ऐसे पता नहीं चल सकता, सामने जाके पता चलेगा। सो ऑलराइट, वहां से यहाँ तक मुझे काफी टाइम लग गया और मैं काफी दूर आया हूँ वो वाले विलेज से। और यहाँ पे मुझे ये कुछ अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखे और ये कुछ अलग तरीके के हैं, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे फिर से एक जंगल वयों में मिलती है, मिली है, बट अभी भी रात है तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तू कहाँ जा रहा है? तू यहाँ पे आ, वापस आ जाओ, यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे, शायद कोई अच्छी जगह मिलेगी। मैं एक विलेज की तलाश में था बट फिर से मुझे याद आया कि अगर मैं दोबारा से किसी विलेज में रहूंगा तो वो वाला बंदा या फिर वो वाला जो मॉन्स्टर है या फिर कोई भी क्या है, वो कुछ अभी पता नहीं चल रहा, वो दोबारा से मेरे पूरे विलेज को उड़ा सकता है, दोबारा से उसको तबाह कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक प्लेन सा एरिया ढूंढूंगा, विलेज खुद बनाऊंगा और अपना विलेज बनाएंगे बाद में। उससे पहले मुझे एक प्लेन एरिया ही ढूंढना पड़ेगा, विलेज में मैं दोबारा नहीं रह सकता। ऑल राइट, तो अभी हम एक नए विलेज पे पहुंच चुके हैं। बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं इस वाले विलेज में अपना बेस नहीं बनाने वाला, मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाऊंगा। बाद में ये वाले विलेजर जो है ना, इनको अपने विलेज पे लेके जाएंगे, अपने बेस पे लेके जाएंगे। क्योंकि अगर मैं दोबारा से ये वाले विलेज में रहा तो वो वाला जो एंटिटी है या फिर कोई प्लेयर है, वो दोबारा से इस वाले पूरे विलेज को तबाह कर देगा, बाद में मुझे दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो बहुत प्लेन हो। बाकी सामने मुझे टेराकोटा बयोमी दिखी जो कि बहुत बेकार है और उसमें अपना घर मैं बनाने वाला हूँ नहीं। तो मुझे क्या लगता है कि मुझे ये वाले साइड पे जाना चाहिए।
ऑल राइट, फाइनली मैं ये वाली जगह पे आ गया हूँ, एक पहाड़ पे। सामने वो विलेज है, इसके साइड में मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो फटाफट से ना इस वाले हॉर्स को कहीं पे बांध के रख देते हैं, बट अभी हमारे पास कोई लीड नहीं है, तो फटाफट से ना कुछ वुड वगैरह तोड़ के यहाँ पे एक चेस्ट बना लेते हैं। बाकी क्राफ्टिंग टेबल वगैरह मेरे पास अभी भी है भी नहीं, क्योंकि जो जितना भी सामान था हमारे पास वो सारा वो वाले विलेज में किसी बंदे ने उड़ा दिया था। अभी हमारे पास जो भी है बस इन्वेंट्री में है। दोबारा से फटाफट से कुछ क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बनाना पड़ेगा, कुछ चेस्ट वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा बहुत सही है, मैंने प्लान कर दिया है, यहाँ पे ट्रीज वगैरह कट कर दिए है, बाकी छोटा सा एक घर बनाना है मुझे। बाकी मेरा हॉर्स कहाँ पे चला गया, कहीं वो मर ना जाए, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इधर आसपास ही रहेगा तो ज़्यादा सेफ है। ओके, इस पास में ही रहे, थोड़ा बहुत दूर है, कोई बात नहीं, बाद में इसको ढूंढ लेंगे। एक छोटा सा बेस बनाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि रात होने वाली है और ज़ॉम्बीज आते होंगे, तो फटाफट से ना मुझे यहाँ से स्टार्ट कर लेना चाहिए और एक छोटा सा हट बना लेंगे। जितनी भी वुड हमारे पास है, ज़्यादा तो नहीं है बट जितनी भी रहेगी एक बेड के लिए तो काफ़ी रहेगी। बाकी एक चेस्ट भी बनाना है, तो फटाफट से ना मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल नीचे लगाना ही पड़ेगा। और वूल मेरे पास तीन तो है, वो एक वूल से भी हमारा काम हो जाएगा। फटाफट से एक बेड बना लेते हैं, ये देखो बेड हो गया रेडी, तो यहाँ पे लगाते हैं और उसको सेट कर लेते हैं। इससे ये होगा, एक तो हमारा दिन हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि हम अभी यहीं पे रिस्पॉन होंगे, अगर हम मर भी जाते हैं तो यहीं पे रिस्पॉन होंगे। बाकी अपना घर यहाँ से स्टार्ट फिर से करेंगे और एक छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। ये वाला घर भी कंप्लीट हो चुका है, बाकी अंदर बहुत सारा कचरा, इसको पानी लगा के साफ कर देंगे। हाँ, हो गया ये भी साफ। बाकी हमारा हॉर्स पता नहीं कहाँ गया, हॉर्स वापस लेके आएंगे हम, वरना वो भाग जाएगा या फिर कोई स्केलेटन वगैरह मार देगा इसको। वैसे भी इसकी हेल्थ बहुत कम तो है नहीं, नहीं नहीं कम तो नहीं है। इसको इस घर के अंदर लेके जाएंगे, ताकि ये बाहर ना घूमे और प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। बाकी ये अंदर जाने वाला है नहीं, इसको धक्का दे दे के अंदर लेके जाना पड़ेगा, या फिर थोड़ा बहुत तोड़ के ना इसको अंदर रख देंगे, बाद में दोबारा से इसको लगा देंगे। अंदर जा तू भाई, फटाफट से ये वाला बंद गेट बंद कर देंगे हम यहाँ से, ताकि ये बाहर ना जा पाए। और यहाँ पे एक डोर भी लगा लेते हैं, फटाफट से कुछ डोर्स वगैरह बना लेंगे। और ये रहे कुछ डोर्स, इतना काफ़ी रहेगा वैसे। फटाफट ना एक चेस्ट वगैरह भी बना लेते हैं, हमारे पास वुड पड़ी है बहुत सारी, आई थिंक दो बना लेते हैं। ओके, दो चेस्ट बन चुकी है हमारी। ओके, इनको यहाँ पे कहीं पे लगा देंगे, हमारे पास जगह तो बहुत है, अभी यहाँ पे लगा देंगे। बाकी जितना हमारे पास कचरा वगैरह है ना, उस सबको इसमें रख देंगे, और खाना वगैरह जितना भी, और हमारे पास एक दो एप्पल्स भी है, तो ये तो अभी काम आने वाले हैं नहीं। बाकी हमारे पास एक फर्नेस भी है, वो भी लगा देंगे, इसके अंदर भी हम खाना रख सकते हैं पकने के लिए, जो भी हमने चिप्स वगैरह मारे थे। बट हमें कुछ टॉर्चेस भी तो चाहिए होंगे, टॉर्चेस के लिए मुझे थोड़ा बहुत कोल चाहिए होगा। तो फटाफट से ना नीचे आसपास कहीं ना कहीं कोल मिल जाएगा, क्योंकि एक पहाड़ है तो पहाड़ में तो कोल मिल ही जाएगा। हमारे पास पिकेक्स है, और सबसे पहले ना थोड़ा खाना खा लेते हैं, मरने वाले हो और मुझे पता भी नहीं चला। तो नीचे चल के देखते हैं कि क्या हमें कुछ कोल वगैरह मिल सकता है या नहीं। आई थिंक मिलना चाहिए, अदरवाइज घर के अंदर ना बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकते हैं। मुझे वहां से ना कुछ दिख रहा है। ओके, नीचे एक माइन शाफ्ट भी है, आई थिंक मुझे जाना चाहिए माइन शाफ्ट में, और पानी के रास्ते से जाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, इतना काफ़ी रहेगा क्या? हाँ, इतना काफ़ी है आई थिंक। हाँ, यहाँ से अब हम अंदर जा सकते हैं, और मुझे क्या लगता है कि मुझे ना बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ पे, जान भी जाने वाली है। बहुत सारे स्केल्टन, बहुत सारे ज़ोंबीज, सब कुछ बहुत ज़्यादा। तो फटाफट ना यहाँ पे आयरन और कोल पड़ा हुआ है, इसको लेके चलते हैं, जितना भी मिलता है ना सब। वैसे सबका हमें करना क्या है, एक बार विलेजर हमारे हाथ में आ जाएंगे अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और उसके बाद वो जो एंटिटी है ना उसको ढूंढने के लिए निकलेंगे। कहीं ना कहीं पे तो छुपा होगा, मुझे उस पर अभी भी शक है कि विलेज के इसी सर्वर के अंदर ही है, मतलब इसी वाले वर्ल्ड के अंदर ही है वो। अभी तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे है, क्योंकि अभी सिर्फ मैं खेल रहा हूँ और कोई भी बंदा इसमें नहीं खेल सकता। वो वाला बंदा या वो वाले एंटिटी जो है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो बाद की बात है। फटाफट से यहाँ पे देखते हैं कुछ चास्ट वगैरह मिलते हैं कि नहीं। टूट जा, थैंक यू। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, बाहर कहाँ से निकलना है वो तो बाद में याद भी नहीं रहेगा। बाकी जितना भी एरिया ढूंढ सकता हूँ ना, एक आध चेस्ट मिल जाएगी तो अच्छी बात है। मर जाओ, वाह ये सही बात है। और इसके अंदर भी आई डोंट थिंक कि कुछ है। ओके, थोड़ा बहुत आयरन मिला है। टूल्स वगैरह हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, तो जिसके लिए मुझे आयरन बहुत सारा चाहिए। तो माइन शाफ्ट तो अभी अपने लिए लकी साबित हो रही है, आयरन के साथ साथ कोल वगैरह सब कुछ मिल रहा है। बाकी मुझे एक चेस्ट वगैरह तो मिलनी चाहिए। ओके, मिल चुकी है वैसे,
एक चेस्ट मिली है, बाकी मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं जल गया और पानी मेरे साथ में है नहीं। कि जो भी इसमें मिल रहा है ना सब कुछ लेके चलते हैं। एक बुक मिली है पावर वन की और आई थिंक एक आध और चेस्ट हो सकती है इसके अंदर, देखते हैं कि हमें पानी मिलेगा कि नहीं। एक्चुअली पानी हमें चाहिए था तो मिल गया, अभी हम यहाँ से निकल सकते हैं दूसरी साइड की ओर जहाँ पे हमें एक चेस्ट और ढूंढनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये वाली माइंस अब बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम ज़्यादा तो इसको आई थिंक ढूंढ नहीं पाएंगे इसमें क्या क्या है। ओके एक और चेस्ट मिली है, फटाफट से ना इसको भी तोड़े, कुछ नेम टैग वगैरह है इसमें, सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से भी जाने का एक रास्ता है बट आई थिंक ऊपर नहीं जा सकते, इधर कुछ है ही नहीं, चलो वापस निकलना पड़ेगा। ओ मैं अटक गया, इसमें ना अटक ही जाते बंदे। ओके तो वापस ढूंढना पड़ेगा हमें वो वाला जगह जहाँ से हम आए थे। ओके तो कहाँ से आए थे मुझे अभी याद भी नहीं है। ऑलराइट अभी हम वापस आ चुके हैं माइंड शॉप से और हमारे पास ढेर सारा कोल और चेस्ट वगैरह मिल चुके हैं, हमें जो भी चाहिए था वो मिल चुका है सारा। फटाफट से ना अंदर चल के अभी ढे कर लेते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा जोम्बीज है, फटाफट से सो लेते हैं। अभी जोम्बीज क्लोज में आ गया तो फिर सो नहीं पाएंगे, तो फटाफट से ढे कर लेते हैं। ओके तो अभी हमें थोड़े बहुत टॉर्चेस बना लेने चाहिए, कोल हमारे पास है और इतनी टॉर्चेस काफ़ी है ताकि इसके अंदर कोई जोम्बी वगैरह या फिर क्रीपर वगैरह स्पॉन ना हो। बाकी ये लगा देंगे जहाँ जहाँ भी हमें टाइम मिल रहा है, जहाँ पे भी जगह है अब ठीक है। बाकी तीन चार जितने भी अंदर रख देंगे और जो हमें चेस्ट वगैरह वहाँ पे मिले हैं ना वो यहाँ पे रखेंगे। आयरन कुछ नेम टैग्स मिले, एक बुक भी मिली है, कुछ पावर रेल्स भी मिली है और प्ले रेल्स। और अगर हमें दोबारा से रेल्स चाहिए होंगी विलेजर लाने के लिए तो हम माइंड शॉप से बहुत ज़्यादा रेल्स ला सकते हैं, वो तो बाद की बात है। फटाफट जो भी हमारे पास कचरा वगैरह है ना वो इसके अंदर रख देते हैं। बाकी गोल्ड वगैरह जो है अभी किसी काम का नहीं है, गन पाउडर वगैरह भी किसी काम का नहीं है और ये थोड़ा सा काम का लग रहा है मुझे, ये बाहर बाद में यूज़ कर लेंगे, अभी के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी है। ओके तो ये भी काफ़ी, आयरन जो है ना हमें स्मेल्ट करने के लिए लगा देना चाहिए और खाना जो है इसमें रख देना चाहिए वापस। और आयरन थोड़ा बहुत आ जाएगा तो कुछ टंग के टूल्स वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये भी ट्राई करेंगे कि वो वाले बंदे का पता करें या फिर वो वाली एंटिटी का पता करें जिसने हमारे पुराना पूरा विलेज बर्बाद कर दिया था। बाकी आज का वीडियो हमें यहीं पे ऐड करना पड़ेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।